वाराणसी की अदालत ने हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल किए ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वे के निर्देश देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे की इजाजत मिल गई है। कोर्ट ने सील एरिया को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई द्वारा साइंटिफिक सर्वे की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। वाराणसी जिला अदालत ने साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया है। वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस का सर्वे होगा। ये फैसला सुनाते हुए वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। वेस्टर्न वॉल है, वेस्टर्न वॉल के पीछे जो खाली जगह है वहाँ पे सर्वे किया जाएगा। नीचे जो खंबे हैं, पिलर्स हैं, व्यास जी का तहखाना है, जो जगह आर्टिफिशियल वॉल से बंद है, उन सारी जगहों पे सर्वे करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट। बड़ी दलील। मामले में 14 जुलाई को सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है, जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस साल मई में 5 महिलाओं की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिन्होंने पहले एक अन्य याचिका में मंदिर परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी स्थल पर प्रार्थना करने की अनुमति मांगी थी। मस्जिद परिसर में एक संरचना मिली थी जिसे हिंदू पक्ष के लोगों ने शिवलिंग बताया, तो वहीं दूसरे पक्ष ने फव्वारा होने का दावा किया था। इससे पहले 6 जुलाई को ज्ञानवापी मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि वो हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करें, जिसमें एएसआई को पिछले साल एक वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग समेत वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखकर कहा कि मामला 19 मई 2023 को शीर्ष अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जब उसने निर्देशों के कार्यान्वयन को 6 जुलाई 2023 तक के लिए टाल दिया था। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग में कहा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में निहित निर्देशों का कार्यान्वयन सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रहेगा। हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश वाराणसी की देखरेख और निर्देशन में ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी। पिछले साल 16 मई को सर्वेक्षण के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में एक संरचना मिली थी, जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा होने का दावा किया था। हाईकोर्ट ने 12 मई को वाराणसी जिला न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 14 अक्टूबर 2022 को शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने जिला न्यायाधीश को शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच के लिए हिंदू पक्ष के आवेदन पर कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी और 3 अन्य ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।